वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से जो चैप्टर 1 है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू विल प्रोबेबली अग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रेथलेस एडवेंचर। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि तुम इस वाली बात से अग्री करोगे, सहमत होगे कि इस स्टोरी में कोई बहुत बड़ा एडवेंचर नहीं है, कुछ खास स्टोरी नहीं है और कुछ खास एक्साइटिंग एक्शन भी नहीं है। Then what in your opinion makes it interesting? लेकिन फिर भी हमें ये interesting लगती है, हमारा मन करता है और पढ़ें। तो ऐसा क्या factor है इस story का जो इसे interesting बनाता है? तो answer देखेंगे। The narrator of this story is a 9-year-old boy. Narrator कौन हो रहा है जो कहानी को सुना रहा है? वो कौन है? 9 साल का बच्चा है। For a 9-year-old boy, the world is full of joy. भाई 9 साल के थे जब आप, सोचो तो कैसे थे? ना कोई टेंशन थी, बस खेल खेल कूद ये सब। तो 9 साल के बच्चे के लिए ये जो संसार होता है पूरी तरह से खुशियों से भरा हुआ होता है। फॉर द यंग बॉय इट वॉज हिज ड्रीम टू राइड अ हॉर्स। तो वो जो 9 साल का जो बच्चा था, जो नरेटर है, उसका सपना था कि वो किसी दिन घोड़ा चलाए। राइड अ हॉर्स का मतलब है घोड़ा चलाए। वेन ही सीज हिज कजिन मुराद विद अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स इट टेक्स हिम नो टाइम टू अंडरस्टैंड दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स। जब वो अपने कजिन ब्रदर मुराद को देखता है सुंदर से सफेद घोड़े पे, तो वो समझ जाता है कि मुराद के पास इतना पैसा तो है नहीं कि भाई साहब वो कहीं से खरीद ले, उसने कहीं ना कहीं से ये घोड़ा चुराया है। Yet as it was his dream to ride a horse, so he doesn't mind the fact that the horse he was riding belonged to someone else. लेकिन क्योंकि उस बच्चे का ड्रीम था घोड़ा चलाना, तो वो इस चीज को ज्यादा माइंड नहीं करता, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि ये जो घोड़ा है किसी और का है। In fact, the story doesn't have much suspense and thrill. हालांकि सचमुच में ना तो स्टोरी में कोई खास सस्पेंस है ना ही थ्रिल है, yet फिर भी as a reader we are always keen to read the story ahead. फिर भी as a reader हमारा मन करता है स्टोरी को और आगे पढ़ें। Ahead का मतलब आगे। To know what would these both kids would do with the horse. हमारा मन में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि यार ये दोनों लड़के घोड़े का क्या करेंगे। As a reader, the question which keep on going in our mind are like, जो question हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, क्या question चलते रहते हैं? Will they return the horse to the rightful owner? क्या ये दोनों बच्चे घोड़े को return कर देंगे उसके मालिक को? Or will they sell the horse to make some money? क्या वो घोड़े को बेच देंगे किसी और को और कुछ पैसा कमा लेंगे? कुछ इस तरह के ख्याल हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। One more point which makes the story really interesting is the fact that the two boys belong to the Garoglanian फैमिली। एक और फैक्ट है इस स्टोरी के अंदर जो उस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है कि वो जो दोनों लड़के थे वो गैरोग्लेनियन फैमिली को, ट्राइब को बिलोंग करते थे, विच इज वेल नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। और उस गैरोग्लेनियन ट्राइब की खास बात क्या थी? वो संसार भर में फेमस थे अपनी ईमानदारी के लिए और विश्वास के लिए। दे वुड नीदर स्टील और टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। और उनकी क्या मतलब एक रिकॉर्ड चला आ रहा है, ना तो वो किसी की मजबूरी का फायदा उठाएंगे और ना कभी चोरी करेंगे। अनदर पॉइंट ऑफ द इंटरेस्ट इज करेक्टराइजेशन। जो करेक्टराइजेशन किया है इस स्टोरी के अंदर वो बड़ा जबरदस्त है। द करेक्टर ऑफ अंकल खुसरो, अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो, पे नो अटेंशन टू इट, है ना, इस पर ध्यान मत दो, कुछ नहीं होगा। तो अंकल खुसरो का जो करेक्टर है वो स्टोरी को और ज्यादा ह्यूमरस और इंटरेस्टिंग बनाता है फॉर रीडर्स। सो क्वेश्चन चिल्ड्रन ये था कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता। तो हमने पूरी स्टोरी में, पूरे आंसर में वो सारी बातें लिखी है। नंबर एक बात कि रीडर्स के मन में ये वाली बात आती रहती है कि क्या होगा आगे, क्या होगा, करेक्टराइजेशन, फिर गैरोग्लेनियन वाला पार्ट। सो ऑल दीज एलिमेंट्स मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग फॉर रीडर्स। सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं रीडर्स के लिए। चिल्ड्रन हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वो मैंने इंग्लिश बाबा 123 वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है, हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। और अभी तक मेरे भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे सारे अपडेट मिलते रहे। आई होप कि आपने वीडियो लाइक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। वो जो दो लड़के हैं जो मैंने आपको यहां दिखाया हुआ है डायग्राम में, इन दोनों ने घोड़ा इसलिए वापस कर दिया था क्योंकि वो कॉन्शियस स्ट्रिकन थे। कॉन्शियस स्ट्रिकन का मतलब होता है उनके अंदर से आवाज आ गई थी, यार हम गलत कर रहे हैं, या उन्हें डर लग रहा था, किस वजह से उन्होंने घोड़ा वापस किया था। तो आंसर देखिए,
After reading the whole story, we can certainly say that the boys were neither conscious stricken nor they were afraid. तो हमने आंसर में पहली लाइन में क्या लिखा, पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद हम ये वाली बात कह सकते हैं, ना तो बच्चों के अंतःकरण से यानी कि अंदर से कोई आवाज आई कि यार हम गलत कर रहे हैं, और ना ही वो डरे हुए थे. According to the boys, they had not stolen the horse. They had not made any money by selling it to someone. Boys के हिसाब से उन्होंने घोड़ा चुराया नहीं है, क्योंकि चोरी तो तब होती जब वो किसी की चीज चुरा के किसी और को बेच देते और उससे कुछ पैसे कमा लेते. So according to them, it was just fun, not at all a sin. Sin का मतलब होता है children, पाप. तो उन बच्चों के हिसाब से ये कोई चोरी नहीं है, बस ये तो हम एक फन कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ये कोई पाप नहीं किया हमने. Even the narrator makes it clear when he asserts that the stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. और यहां तक कि narrator भी इस चीज को क्लियर करता है स्टोरी के अंदर कि किसी घोड़े को केवल इस वाली बात के लिए, केवल राइड करने के लिए चुराना कोई चोरी नहीं है, है ना. वो बार बार ये वाली बात कहते हैं कि अगर हम उसे चोरी करके किसी और को बेच देते या कुछ और चीज चोरी करते तो वो चोरी है, लेकिन यार एक घोड़े को हमने बस चलाया, चला के वापस कर दिया, तो ये कोई चोरी नहीं है. We also come to know that Murad had the horse for over a month when farmer John Byro visited the narrator's house. तो जब जो farmer John Byro, जो कि घोड़े का असली मालिक था, जब वो narrator के घर जाता, तब हमें ये वाली बात पता चलती है कि Murad के पास वो घोड़ा एक महीने से था. Murad decided that the horse must go back to its true owner. लेकिन बाद में Murad ये decide करता है कि घोड़े को लौटा देना चाहिए उसके असली मालिक को. The meeting with John Byro affected the boys. और boys पे देखो question ये था कि boys ने वो घोड़ा क्यों लौटाया? तो जो meeting हुई John Byro की बच्चों के साथ, उससे उन बच्चों पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा. क्या? When John Byro met the boys, he praised them and their family tribe for the honesty. जब वो John Byro उनसे मिला, उन दोनों बच्चों से, तो उन्होंने उन दोनों बच्चों की बहुत तारीफ की और उनकी फैमिली की, उनके ट्राइब की, उनके कबीले की बहुत तारीफ की कि तुम्हारा कबीला संसार भर में फेमस है अपनी ईमानदारी के लिए. तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये वाली बात दिल पे लग गई. He trusted the boys as he knew their parents. जबकि उन बच्चों ने चुराया था वो घोड़ा, लेकिन फिर भी John Byro उनके पेरेंट्स को जानता था, उनके कबीले को जानता था, फिर भी उसने उन पर विश्वास किया कि नहीं, आप मेरा घोड़ा कभी चुरा ही नहीं सकते. Hence, in order to uphold the family tradition and reputation, ताकि फैमिली की बदनामी ना हो, फैमिली का जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है ईमानदारी वाला, वो ऐसे ही चलते रहे. The boys returned the horse to its rightful owner. तो हमें पहली बात क्या पता चली, ना तो वो डरे हुए थे, ना कॉन्शियस स्ट्रिकन थे, बस एक फैमिली की रेप्यूटेशन की वजह से, भाई जिसका संसार भर में नाम चला रहा, उस ट्राइब का नाम ना खराब हो, इस वजह से उन्होंने जो वो घोड़ा है वो लौटा दिया. क्वेश्चन नंबर 3. वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वॉज 9 एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस and life was still delightful and mysterious dream. ये वाली जो line है वो पूरी की पूरी story से ली गई है chapter से. The story begins in a mood of nostalgia. Nostalgia क्या होता है children? जब आप अपनी पुरानी यादों को, यार जब मैं 5th class में था कितने मजे आते थे, ना ज्यादा tension थी, ना ज्यादा workload था, है ना, पुरानी चीजों को याद करते हैं. Can you narrate some incident from your childhood that might take an interesting and interesting? तो अब ये कह रहा है कि क्या आप कोई कहानी सुना सकते हो अपने बचपन से, ठीक है, जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हो. चिल्ड्रन, मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी है और ये मेरी रियल स्टोरी है, बिल्कुल रियल स्टोरी. आप चाहो तो एग्जाम में ये लिख सकते हो या आप अपने आप कुछ भी बना सकते हो. तो मैं अपने रियल स्टोरी लिख रहा हूँ. आई वॉज स्टडिंग इन ग्रेड 7. मैं 7th क्लास में था एंड वॉज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, लगभग 12 साल का था. वन डे व्हेन आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, एक दिन जब मैं क्रिकेट खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, आई हिट द बॉल एंड इट वेंट स्ट्रेट इन टू द नियर बाई वेल. मैंने बॉल मारी और वहां पे एक कुआ बना हुआ था, पुराना कुआ जिसमें पानी भरा होता है, हालांकि उस टाइम उसमें पानी नहीं था, वो उसमें चली गई. दिस वेल वॉज अ मॉन्स्टर फॉर ऑल ऑफ अस. ये जो वेल था, ये जो कुआ था, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन था, बड़ा दैत्य था. क्यों? एज वी हैड लॉस्ट नंबर ऑफ बॉल्स इन इट, क्योंकि कई सारी बॉल्स हमारी इसमें चली गई थी. एट दैट टाइम वी यूज टू प्ले विद कॉस्को बॉल. अगर आपको याद हो तो कॉस्को की एक बॉल आती थी उस टाइम पे जो कि 25 रुपए की थी. And our pocket money was just 1 rupee per day. और हमें pocket money कितने मिलती थी? 1 rupee मिलता था अपने मम्मी पापा से. So it was not easy for us to buy a new ball frequently. तो भैया हम सब दोस्तों के लिए नई बॉल 25 rupees की लाना जल्दी जल्दी तो इतना आसान तो था नहीं. That day we all sat in despair. Despair का मतलब होता है निराशा. हम लोग निराशा से बैठ गए.
एज वी हैड लॉस्ट वन मोर न्यू बॉल विच वी परचेज जस्ट टू डेज बैक, क्योंकि हमने एक और बॉल खो दी थी जो कि अभी हमने दो दिन पहले ही खरीदी थी. Suddenly my friend Ankit and I thought of a plan. जैसा कि मैंने ये कहा है real story है तो ये real नाम है. Ankit मेरा एक friend है, Ankit जो अब engineer बन चुका है. Ankit एक plan आया and the plan was to go inside the well to collect all the balls which had fallen so far. और plan ये risky था. Plan क्या था कि कुएं के अंदर जाया जाए और जितनी भी ball गिरी हुई है सबको उठा लिया जाए. The plan was risky and we were all aware about our strict parents. प्लान में बड़ा रिस्क था और हमें पता था कि भाई सब घर वालों को पता लग गई तो सूद देंगे. अंकित फैमिली हैड अ काउ सो ही सीक्रेटली ब्रॉट अ रोप फ्रॉम हिज होम एंड वी डिसाइडेड दैट वी वुड ड्रॉप डाउन अ मच यंगर बॉय इन द वेल. अंकित की फैमिली के पास एक गाय थी जिनके घर में पशु होंगे तो रस्सियां भी होंगी, तो उसके रस्सी ले आया वो चुपचाप अपने घर से जाके. और हमने ये प्लान बनाया कि एक छोटे बच्चे को, यंगर लड़के को कुएं में डाला जाएगा रस्सियों से बांध के विद द हेल्प ऑफ द रोप सो दैट इट वुड बी इजी टू पुल बैक, क्योंकि हल्के बच्चे को खींचना आसान रहेगा ऐसा हमें लगा. कपिल, ये सब रियल करेक्टर डालें चिल्ड्रन. आज की डेट में कपिल पुलिस में है और दरोगा जी जिन्हें बोलते हैं वो बन गया है. हु वॉज यंगेस्ट अमंग अस, जो हम में सबसे छोटा था गॉट रेडी फॉर दिस डे और इस खतरनाक काम के लिए वो तैयार हो गया. वी टाइड हिम With rope and dropped him down. हमने उसे रस्सियों से बांधा और जैसे तैसे उसे नीचे उतारा. It was risky but Kapil managed to bring back 6 balls from the manage. हालांकि काम मुश्किल था लेकिन Kapil 6 balls ले आया wells से. ठीक है. Every time when I think of this incident, जब भी मैं कभी इस incident के बारे में सोचता हूँ, it still gives me goosebumps. आज भी ये मेरे रोंगटे खड़े कर देती है. So children, ये मैंने एक interesting story बना दी है. आप चाहो तो इस क्वेश्चन में अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी डाल सकते हो, या इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपके टीचर ने कहा आंसर लिख तो आप ये स्टोरी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, आई होप कि वीडियो को मेरे भाई आपने लाइक कर दिया है और प्लीज चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना. नेक्स्ट. द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड कैरेक्टर्स हु बिलोंग टू ट्राइब इन आर्मेनिया. आर्मेनिया क्या है, एक कंट्री का नाम है जहां का ये ट्राइब है गैरोग्लेनियन. मुराद एंड आराम आर मेंबर्स ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली, हमें पता है. ठीक है, वो मेंबर हैं. नाउ लोकेट आर्मेनिया एंड असीरिया ऑन द एटलस. ठीक है, प्रिपेयर अ राइट अप ऑन द गैरोग्लेनियन ट्राइब. तो अब आपको लग रहा होगा सर इस क्वेश्चन में करना क्या है. आपको इस क्वेश्चन में जो गैरोग्लेनियन ट्राइब है उसके बारे में लिखना है कि ऐसे ऐसे ट्राइब है, वो किसके लिए फेमस है. वो फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए, ट्रस्ट के लिए. वो दुनिया में भूखे मर जाएंगे पर किसी का चोरी नहीं करेंगे. यू मे राइट अबाउट द पीपल, देयर नेम, उनके ट्रेड, जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक फीचर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आंसर में, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे द गैरोग्लेनियन ट्राइब. आपने हेडिंग डाल दिया बड़ा बड़ा. अब आप इसके बाद लिखेंगे द गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज एन आर्मेनियन ट्राइब. कौन सी, किस कंट्री का है, आर्मेनिया का. तो आर्मेनियन ट्राइब है. 11 centuries ago it was wealthiest family in the part of the वर्ल्ड. एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं तो 11 सेंचुरी का मतलब है 1100 साल पहले ये वाला जो कबीला होता था संसार भर का लगभग सबसे अमीर कबीलों में से था, रिच. बट नाउ एवरी गैरोग्लेनियन ट्राइब वॉज वेरी पुअर. लेकिन आज कंडीशन बदल गई है, आज की डेट में ये लोग बड़े गरीब हैं. दीज पुअर पीपल हैड नो मनी, उनके पास ना कोई पैसा था. देवर सो पुअर दैट देयर वॉज नो आइडिया दैट हाउ वुड द नेक्स्ट मील बी अरेंज. वो इतने गरीब हैं आज की डेट में, इतने गरीब हो गए थे इस स्टोरी में कि उन्हें यह भी नहीं पता कि हमारा जो अगला खाना आएगा वो कहां से अरेंज होगा. द गैरोग्लेनियन ट्राइब्स वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी. लेकिन चाहे वो मर जाए भूखे लेकिन अपनी ईमानदारी के लिए वो फेमस थे. इट हैड बीन द हॉलमार्क ऑफ द ट्राइब फॉर मेनी सेंचुरीज. कई सालों से ये हॉलमार्क, मतलब ये विशेषता चली आ रही है उनकी, किसकी, ऑनेस्टी वाली. दे वर प्राउड ऑफ देयर ऑनेस्टी, और उन्हें घमंड था अपनी ईमानदारी पर. None of them would take advantage of anybody in the world. और उनमें से गैरोग्लेनियन फैमिली की ये भी खास बात थी, कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे. No member of the गैरोग्लेनियन फैमिली could be a thief. और ना ही उनकी ट्राइब का कोई भी मेंबर कभी चोरी नहीं कर सकता. The elders felt pain to remember that they had lost their homeland. अभी मैंने बताया ना कि एक टाइम पे ये बहुत अमीर हुआ करते थे, तो जो घर के जो बड़े लोग हैं उन्हें बड़ा दुख होता है ये जान के कि उनके पास एक टाइम पर बहुत जमीन थी जो आज खो दी है उन्होंने. These people shifted their residence from one place to another. आपने देखा होगा जो खाना बदोश लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं टेंट लगा के.
द नरेटर सेज दैट दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन. अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो वो कहता है नरेटर जो 9 ईयर का है, उस साल हम टाउन के एज पर रहते थे वॉलनट एवेन्यू पे. द नेम्स ऑफ द पीपल आर सेमी अरेबिक. जो नेम है वो कुछ कुछ अरेबिक है, सेमी अरेबिक, मुराद, आराम, खुसरो, एटसेट्रा. चिल्ड्रन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में. हाउ ओल्ड वॉज नरेटर. नरेटर कितने साल का था, 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का या 12 साल का. आई होप मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी. तो आई होप कि अच्छी लगी होगी, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.